सब्सक्राइब करिए मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष बनर्जी और आप देख रहे हैं मिस्टर जुगाड़ू आर्टिस्ट। और आज लोग सीखेंगे क्रिकेट चेस्ट गार्ड बनाना। और दोस्तों, ये उन वेस्ट मटेरियल से बना है जो वेस्ट मटेरियल हमारे घर में इजिली अवेलेबल हो जाएगा। और दोस्तों, मैंने क्रिकेट स्टेप पे बहुत सारे वीडियो बनाई है, उन सब वीडियो को मैं आई बटन में दे दूंगा। और दोस्तों, इसको सीखने के पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने वीडियो के एंड में इसको टेस्ट करके दिखाया है और मैं अपने चेस्ट पे पहन के भी दिखाया है कि कैसा लुक आता है, और मैंने बताया भी है कि कंफर्टेबल है कि नहीं। और दोस्तों, ये सब चीज आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा, इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, इसको सीखने के पहले आप मुझे कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। और ज्यादा टाइम न गवाते हुए सीखते हैं कुछ नया। क्रिकेट चेस गार्ड बनाने के लिए चाहिए आपको न्यूज़पेपर, सूती का कपड़ा, और दोस्तों आपको वेस्ट कपड़ा यूज करना है, कोई यूजफुल कपड़ा यूज नहीं करना है। आपको चाहिए इलास्टिक, आपको चाहिए सुई और धागा, आपको चाहिए सीजर, आपको चाहिए कलर, और हमें देखिए लोहे के दरवाजे में पेंट होने वाला कलर यूज करना है क्योंकि वो वाटरप्रूफ होता है। और देखिए, मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूँ, आप चाहे अपने मनचाहे रंग से कलर कर सकते हैं। आपको चाहिए बड़ा ब्रश, आपको चाहिए पावर ग्लू, और इसे कैसे बनाते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है और आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको चाहिए देखिए कार्डबोर्ड, और आपको देखिए इतना बड़ा कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, और देखिए आपको ये वाला कार्डबोर्ड यूज करना है जो फ्लेक्सिबल हो, जैसे देखिए ये फ्लेक्सिबल है। और आपको चाहिए पेंसिल और इरेजर। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रिकेट चेस्ट गार्ड का इमेज अपने सामने रखना है, और आपके पास क्रिकेट चेस्ट गार्ड का इमेज ना हो तो मैं आपको इमेज प्रोवाइड कर देता हूँ, आप उस इमेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब दोस्तों, आपके पास क्रिकेट चेस्ट गार्ड का इमेज आ गया है तो मैं उसी इमेज को देखकर ये क्रिकेट चेस्ट गार्ड बना रहा हूँ। और दोस्तों, सबसे पहले आपको कार्डबोर्ड में क्रिकेट चेस्ट गार्ड के इमेज को देखकर क्रिकेट चेस गार्ड को ड्रॉ करना है, और ये काम देखिए मैंने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद हमें सीजर की मदद से उसको कट करनी है। देखिए दोस्तों, सीजर की मदद से कट करने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब दोस्तों, आपको न्यूज़पेपर में लगाना है पावर ग्लू, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की मोटी लेयर से 3 टाइम आपको इसको पूरी तरह से ढकनी है, और आपको देखिए इस तरह से न्यूज़पेपर की लेयर में अप्लाई करनी है। और दोस्तों, न्यूज़पेपर की 3 मोटी लेयर 3 टाइम इसमें पूरी तरह से अप्लाई करने के बाद आपको इसे 4 दिन रखना है धूप में सूखने के लिए। और दोस्तों देखिए, आपको इस तरह से न्यूज़पेपर की मोटी लेयर बनानी है, और इस साइड में लगाना है पावर ग्लू, और इस तरह से कर देना है पेस्ट। और दोस्तों, आपको इसमें अप्लाई करनी है, और देखिए शेप आपको बरकरार रखना है जैसे कार्डबोर्ड में है, हाथों से इस तरह से शेप देकर, और आपको देखिए इसको थोड़ा इस तरह से बेंड भी करके रखना है। और अब दोस्तों, मैं जितनी भी न्यूज़पेपर की मोटी लेयर लगाऊंगा वो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा के लगाऊंगा। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, जब आप दोस्तों इसको पूरी तरह से न्यूज़पेपर की 3 मोटी लेयर से ढक देंगे दोनों साइड से, उसके बाद आपको न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर लेनी है, उससे भी आपको इसको पूरी तरह से ढक देना है, और आपको न्यूज़पेपर की सिंगल लेयर सिर्फ सिंगल टाइम ही अप्लाई करनी है। और दोस्तों, अब मैं फिर से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा के इसको 3 मोटी लेयर से ढकने जा रहा हूँ। न्यूज़पेपर की मोटी लेयर अप्लाई करने के बाद दोस्तों, मैंने रख दिया इसको सूखने के लिए, और ये सूख चुका है। और जैसे मैंने आपको बोला था, आपको बेंड करके रखना है सूखने के लिए, और देखिए मैंने बेंड करके रखा था, और देखिए दोस्तों सूखने के बाद काफी मजबूत हो गया है। और दोस्तों, अब आपको सीजर का पॉइंट वाला हिस्सा लेना है, उससे आपको होल क्रिएट करनी है, जैसे आप देख सकते हैं आपको इस तरह से होल क्रिएट करनी है एक इस साइड में,
और एक इस साइड में होल क्रिएट कर देंगे। उसके बाद आपको सूती का एक बड़ा सा कपड़ा चाहिए और आपको सूती के छोटे छोटे कपड़े चाहिए। उसके बाद आपको इसको इस तरह से देखिए पलटनी है। उसके बाद आपको सूती के कपड़े लेने हैं और आपको देखिए छोटे छोटे कपड़े चाहिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से कपड़े को लगाना है इस पे, और ऐसे ही लगा के आपको उसको पूरी तरह से सूती के कपड़े से ढक देनी है। देखिए दोस्तों, सूती के कपड़े से इसको ढकने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और दोस्तों, आपको होल को देखिए नहीं ढकना है, जो हम लोग ने सीजर की मदद से होल क्रिएट किया था उसको हमें नहीं ढकना है। और ढकने के बाद अब आपको ये बड़ा वाला जो सूती का कपड़ा है उसके ऊपर आपको इस तरह से इसको रखनी है। उसके बाद आपको इस तरह से उससे लपेट देना है इसको। और दोस्तों, आपको एक चीज का ध्यान देना है, जैसा शेप पहले था कार्डबोर्ड का वैसे ही बरकरार होना चाहिए। और देखिए इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब हमें सुई और धागा लेना है और इसको सील देना है। और दोस्तों, जब आप इसको पूरी तरह से सील देंगे तब आपको इसमें पूरी तरह से व्हाइट कलर से कलर भी कर देनी है। और आपको देखिए कुछ इस तरह से इसको सिलना है। यही प्रोसीजर अप्लाई करके आपको इसको पूरी तरह से सिलना है। देखिए दोस्तों, सुई धागे से पूरी तरह से सिलने के बाद मैंने कर दिया इसमें कलर। और दोस्तों, कलर करने के बाद मैंने रख दिया इसको सूखने के लिए और ये सूख चुका है। और दोस्तों, मैंने रखा था घर पे सूखने के लिए, और आपको भी कलर करने के बाद घर ही पे रखना है सूखने के लिए। और अब हमें क्या करना है, और अब दोस्तों आपको लेना है इलास्टिक। उसके बाद आपको इलास्टिक हमने चेस्ट पे कुछ इस तरह से देखिए लपेटना है। लपेटने के बाद आपको उसको थोड़ा टाइट लिए देखिए लपेटना है, जैसे मैंने लपेट के रखा है। उसके बाद आपको लेना है सीजर और आपको कर देना है कट। और अब दोस्तों, हम लोग को अपने चेस्ट के साइज का इलास्टिक मिल चुका है। और अब हमें क्या करना है, और अब देखिए दोस्तों, हम लोग को अपने चेस्ट के साइज का इलास्टिक मिल चुका है। उसके बाद अब हमें इलास्टिक को इसमें करना है पुट। और दोस्तों, हम लोग ने वीडियो के शुरू में ही इसमें तो होल क्रिएट कर दिया था कार्डबोर्ड पे, लेकिन हम लोग ने कपड़े में होल नहीं क्रिएट किया था। उसको आपको करना कैसे है, सीजर का पॉइंट वाला हिस्सा यूज करके इस तरह से आपको कट क्रिएट करनी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और यही प्रोसीजर आपको इधर भी अप्लाई करनी है और इधर भी अप्लाई करनी है। उसके बाद आपका एक होल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको सीजर की मदद से देखिए इस तरह से उस होल में इलास्टिक को करना है पुट, कुछ इस तरह से। और देखिए इस तरह से पुश करने के बाद इधर से देखिए इलास्टिक निकल जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से इलास्टिक को होल्ड करके रखना है। फिर आपको लेना है सुई और धागा और इस तरह से आपको सील देना है। और सेम प्रोसीजर आपको इस साइड में भी अप्लाई करनी है। देखिए दोस्तों, दोनों साइड में सुई धागे से सिलने के बाद यह पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो चुका है। और देखिए पूरी तरह से बनने के बाद इसका कुछ इस तरह का लुक आ रहा है। और अब चलिए दोस्तों, इसको मैं अपने चेस्ट पे पहन के दिखाता हूँ। चेस्ट पे पहनने के बाद इसका कैसा लुक आता है आप ये भी देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा ये कंफर्टेबल है कि नहीं। और दोस्तों, इसका टफनेस टेस्ट भी करेंगे। और देखिए टफनेस टेस्ट करने के लिए मैं ये बॉल का यूज करूंगा और इस बॉल से मैं इस पे हिट करके दिखाऊंगा। और चलिए दोस्तों, ये सब टेस्ट चलिए इस पे करते हैं।
और जैसे दोस्तों आपने देखा, मैंने आपको उसको चेस्ट पे पहन के दिखाया और दोस्तों ये काफ़ी कंफर्टेबल था। और दोस्तों मैंने इस बॉल से भी इसमें हिट किया और देखिए इसमें कोई डैमेज नहीं आया, जैसे पहले था अभी भी ऐसे ही है। और दोस्तों आप इससे कोई भी बॉल से खेल सकते हैं, जो भी क्रिकेट की बॉल होती है हर एक बॉल से आप इस पर खेल सकते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया इसको कैसे बनाना है, और दोस्तों आपने सब कुछ टेस्ट देख लिया। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।